पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। 13,202 करोड़ की 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज 622 करोड़ की लागत से तैयार अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मोदी आज सिगरा में देश के पहले इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे BHU के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन जाएंगे। संतों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी 40,000 लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी देर रात गुजरात से पहुंचे वाराणसी। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक 25 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह हुआ पीएम का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ रात में किया शिवपुर फुलवारिया लहरतारा सड़क का निरीक्षण। गुजरात के नवसारी से पीएम का अटैक, मोदी ही नहीं मोदी की जाति को भी गाली देती है कांग्रेस, कहा। मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम, कहा देवकाज और देशकाज तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का देर रात 3 बजे निधन। 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। मनोहर जोशी का दादर शमशान भूमि में किया जाएगा अंतिम संस्कार। किसान आंदोलन में हंगामे के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस, किसान संगठनों के पदाधिकारियों को NSA के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू। अंबाला पुलिस किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की करेगी भरपाई। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद देश भर में आक्रोश दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया। भारतीय किसान यूनियन 26 फरवरी को किसान दिल्ली जाने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। किसान नेताओं ने खनौरी सीमा पर किसान की मौत मामले की न्यायिक जाँच करवाए जाने की मांग की। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर की मांग, किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। किसानों के समर्थन में आया कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI। किसान की मौत के विरोध में NSUI ऑफिस से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकालेगा। खनौरी बॉर्डर में हुए हंगामे का नया वीडियो सामने आया। पुलिस वालों पर लाठी गंडासों से हमला करते दिखे किसान। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र की हत्या का जवाब देगी जनता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की किसानों से बातचीत की अपील, कहा पांचवें दौर की बैठक के लिए आगे आए। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शंभू और खनौरी बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान से की। अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने कांग्रेस को दी चेतावनी, यदि आम आदमी पार्टी को मिली भरूच सीट तो गठबंधन का नहीं करूंगा समर्थन। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, कहा इंडिया अलायंस से अलग होने की आपको मिल रही है धमकी। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस और आप इंडी गठबंधन का हिस्सा, अरविंदर सिंह लवली बोले बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली गुजरात असम हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। महाराष्ट्र में NCP शरद चंद्र पवार पार्टी को मिला नया चुनाव चिन्ह, तुरहा बजाता आदमी होगा चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं, राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। उद्धव ने पहले राहुल गांधी शरद पवार से फोन पर बात हुई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करने पर दोनों के बीच चर्चा। महायुति में भी सीटों पर तकरार, शिंदे गुट के नेता गजानंद कीर्तिकार ने कहा हमें लोकसभा की 12 नहीं 22 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से हटाने पर भड़के जीशान सिद्दीकी, कहा राहुल की टीम पार्टी को खत्म कर रही है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता दिया, 25 फरवरी को आगरा में हो सकते हैं शामिल। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने चुनावी पोस्टर जारी किया, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बने अर्जुन तो राहुल गांधी दिखे कृष्ण रूप में। राशन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने शेख शाहजहां को नोटिस जारी किया, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, सूत्रों के हवाले से खबर। संदेश खाली में फिर भड़की हिंसा की आग, पुलिस के सामने भीड़ ने दो शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति फूंकी। सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेने पर बशीरहाट SP का बयान, कहा सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से रांची में शुरू होगा, 9:30 बजे होगा मैच।